हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मेरा वीडियो आने वाला है, तो हमारा बैग पैक हो चुका है, गाड़ी भी रेडी हो चुकी है। हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी होती है। जून में और मई में छुट्टियाँ होती हैं, तो काफ़ी जगह मतलब कहीं भी आप घूमने जाओ तो रश कुछ ज़्यादा ही होता है, भीड़ भड़ाका होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी जून के लास्ट में चलते हैं घूमने के लिए। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, इस बार बरसात जल्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम सब लोग सोच रहे थे कि पहाड़ों की साइड जाएंगे। बट पहाड़ों पर जाना अभी उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है और पहाड़ भी नीचे खिसक रहे हैं। तो हमने सोचा चलो पहाड़ अपना कैंसिल कर देते हैं, फिर हम जा रहे हैं आगरा। घर पे आने के बाद भी हमने छोले कुलचे खाए हैं। घर पे आगे कॉलोनी का रास्ता कट गए, तब भी हम आगे जाके छोले कुलचे खा के आए हैं, क्योंकि हमें छोले कुलचे पसंद है। मेरे को पसंद नहीं है ना छोले कुलचे। नहीं खाने, नहीं खाने, नहीं खाने, छोले भटूरे खाने हैं। हाँ छोले भटूरे, छोले कुलचे नहीं। हाँ ठीक है, नहीं होना चाहिए। रात को चोरी भी खाएंगे, रात को चोरी भी। ठीक है ठीक है। सब तुझे क्या खाना है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो पीनी होती है, खाना क्या है? कोल्ड ड्रिंक पीनी है बच्चा, और कुछ नहीं। देखो शादी गाड़ी होटल के पास आज सोएंगे। तो भाई बोतल में पानी, कितना पानी पियोगे भाई? ये लो चलो मेरे गाड़ी। इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, कहीं पिकनिक बना लेते हम तो। करते क्या? अरे इसे पानी पिला दे, कैसे हो गई तृप्ति शर्मा? लो ये लो, लो। तुमने कहा था रुकने को, मैंने तो कहा नहीं था। अरे तो यहाँ पर आए हैं हम रास्ते में खाना खाने के लिए, और एक छोटा सा बच्चा है बच्चों से मिलने के लिए। हेलो बोलो, बोला हेलो बोल दे। कि आप लोगों को पहले ही पता चल चुका है वीडियो में कि बच्चों को खाने हैं छोले भटूरे, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए डोसा मंगा लिया है और हम लोग डोसा और छोले भटूरे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बट खाना यहाँ का इतना नॉन स्पाइसी था ना, मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया खाने में। एकदम जैसे स्टार्टिंग में बच्चों को खिलाते ना मरीजों वाला, बिल्कुल मिर्ची नहीं होती, वो वाला खाने का टेस्ट था यहाँ पे। तो बिल्कुल भी हम लोगों को अच्छा नहीं लगा यहाँ का खाना, एकदम से बहुत ही ज़्यादा सात्विक खाना था। बेटा फिर वो भी रोने लग जाएगा और दो दो आगे आया नहीं पाओगे। आना मेरा बच्चा। रास्ते में चलते चलते मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि कहीं पे बारिश मिली हमें, कहीं पे बादल और कहीं पे एकदम से धूप निकली हुई थी। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं आगरा। आगरा में जो ताजमहल है उसके बिल्कुल आगे ही का ही ये व्यू है, और यहाँ पे जो कैमल कार्ट और हॉर्स कार्ट वगैरह यहाँ पे खड़े हुए थे, बच्चों ने देखते ही हल्ला काटना शुरू कर दिया हमें बिठाओ। बट यहाँ के प्राइस इतने कॉस्टली हैं बहुत, और यहाँ के पेड़ों ने तो इतनी जल्दी टपका दी अपनी मूली। मूली ऐसा ये पड़ी नीचे आ गया नहीं भाई, नहीं जरूरत। मैं ये पढ़ रखा हमने इतना तो ताज के बारे में, हम कोई विदेशी थोड़ी है। ताज भी तू हमें गाइड से दिखवाएगा? ये लगा दूं, यहाँ तो पानी हो रखा सारे में। उतरेंगे कहाँ से वाले? वही तो मार्केट है, पार्किंग है, कुछ समझ में ही ना आ रहा। जगह जगह आदमी खड़े कर रखे। आज ईद है ना बेटा, जो मुसलमान है सब नए कपड़ों में मिलेंगे। फाइनली यहाँ से ली हमने ई रिक्शा, तो ई रिक्शा ने हमसे 50 रुपीज़ चार्ज किया, और उसने हमें यहाँ पे जो सारा लोकल का एरिया था वो भी दिखाया। उसके बाद छोड़ा उसने हमें ताजमहल, और रास्ते में वो हमें इतना अच्छा गाइड था, मतलब खुद ही समझाता जा रहा था कि सर आपने वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे टिकट कौन सा लेना है, बच्चों की टिकट बिल्कुल मत लेना। मतलब उसने बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर समझा चुका था वो, जितने हम उसकी ई रिक्शा में थे इतने वो अपना ज्ञान बांटता गया, और हम भी ध्यान से सुनते गए कि क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बता ही रहा था। उसको लगा हम काफ़ी दूर से आए, उसको नहीं पता था कि हम दिल्ली से ही आए हैं, इतने भी अननोन बंदे नहीं हैं यहाँ के लिए। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल ताजमहल के नज़दीक। यहाँ पे हमें लेना है टिकट, तो हम आ चुके हैं टिकट काउंटर पे, और जो टिकट था यहाँ पे वो था 50 रुपीज़ का, और 50 रुपीज़ में वो सिर्फ आपको बाहर का एरिया दिखाएगा। अगर आपको कबर और बिल्कुल वाइट मार्बल वाली बिल्डिंग ही ताजमहल की देखनी है, तो वहाँ का 200 रुपीज़ पर बंदा चार्जेस आपको देने होंगे। तो वो हमने टिकट नहीं लिया था, हमने सिर्फ 50 रुपीज़ वाला लिया, क्योंकि हमें हमारे ई रिक्शा वाले ने बता दिया था कि आपको यही वाला टिकट लेना है। एंड
एंड ये है ताजमहल का बुलंद दरवाज़ा जिससे एंटर होके आप जाएंगे अंदर और आपको सीधे दिखेगा ताजमहल। तो वाकई में देखने लायक चीज़ तो है भाई, एक बार तो ज़रूर ज़िंदगी में देखना ही बनता है इस ताजमहल को। घर से निकलते हैं तो थक जाते हैं, दिन में जाइए भाई दौड़ेगा। और यहाँ पे ताजमहल से भी खूबसूरत सी चीज़ हमें नज़र आई और वो थे यहाँ के फोरनर, जिन्हें देखने के लिए वाकई में आंखें तरस जाती हैं भाई। पता नहीं क्यों इतना क्रेज़ होता है इन लोगों को देखने के लिए, सभी में होता है। और ये देखिए यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, और वाकई में ताजमहल बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब देखना तो बनता है। लोग बोलते हैं ना कवर है क्या देखने जाएँ, पर वाकई में यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, रियल में देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ की ये लोकल मार्केट है ताजमहल के जो सामने ही लगती है। प्राइजेज़ भी इन लोगों के जेन्युइन ही है, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यहाँ की मैंने फुटवेयर देखी थी, तो फुटवेयर जो थी यहाँ पे 200 रुपीज़ 250 रुपीज़ में ये लोग कॉस्ट कर रहे थे यहाँ पे। तो फुटवेयर कुछ खास थी नहीं, जो मतलब दिल्ली NCR सब जगह मिल जाती है नॉर्मली, वही फुटवेयर्स थी। फिर भी हम लोगों ने चेक की कि चलो बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं। बच्चों की यहाँ पे कोल्हापुरी वाली जो फुटवेयर्स थी वो बहुत ही प्यारी थी, बट साइजेस नहीं मिले इसलिए हमने अवॉइड किया। और ये है हमारा रूम जो बहुत ही प्यारा हमें यहाँ पर मिल गया है। और अभी हम लोग जाएंगे शाम को फ्रेश होके खाना खाने, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं पूरा दिन घूम के, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं वाकई में। बच्चों को जब तक घुमाने ना लेके जाओ तो घूमने जाना है, और घुमाने लेके जाओ तो ये थक बहुत जल्दी जाते हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे मेन्यू कार्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, और बच्चे ऐसे पढ़ते हैं चाहे रीडिंग करना ना आए बट पढ़ेंगे ज़रूर। और फिर यहाँ पे हमने अपना मंगाया खाना, और बरसात क्योंकि हो चुकी थी तो यहाँ पे खाने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें ही अवेलेबल थी, जैसे कि तंदूरी रोटी वगैरह यहाँ पे नहीं थी, तवा रोटी थी वही हमने खाई। बट यहाँ का खाना वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, खाना खा के यहाँ पे मज़ा आ गया। और इस तरह से हमारा पूरा दिन हो गया कंप्लीट। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।